तो अभी जो ट्रेन है वो सिर्फ मंडपम तक ही आ पा रही है। वहाँ से रेलवे ने अरेंजमेंट किया है बस का, बस में बिठा के पैसेंजर को रामेश्वरम छोड़ दे रहे हैं। हेलो दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके इस YouTube चैनल में एक नए वीडियो के साथ। मैं हूँ धनंजय और आप देख रहे हैं डेली ट्रेवल है। टाइटल थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। जी हाँ, मैं एक बार फिर से आया हूँ रामेश्वरम और सोचा जब आया ही हूँ तो आपको क्यों ना, जो रेलवे का ब्रिज है आप सबको पता है या बहुतों को पता नहीं होगा कि वो बंद पड़ा हुआ है करीब दिसंबर महीने से ही। 3 महीने हो आए हैं और रेलवे ने अभी उसको परमानेंटली बंद कर दिया है। अब उस पर ट्रेन चलने का कोई भी आदेश नहीं आने वाला है, मतलब उस ब्रिज पे ट्रेन नहीं चलेगी। तो आप कह सकते हो जो पुरानी ब्रिज है हमारी उसका द एंड हो गया है, उसकी लाइफ का द एंड हो गया है। तो अभी सवाल ये उठता है कि लोग रामेश्वरम कैसे पहुँचे। तो अभी जो ट्रेन है वो सिर्फ मंडपम तक ही आ पा रही है। वहाँ से रेलवे ने अरेंजमेंट किया है बस का, बस में बिठा के पैसेंजर को रामेश्वरम छोड़ दे रहे हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन रेलवे अभी इसकी सूचना पैसेंजर को पता नहीं दे रही है या नहीं दे रही है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन मुझे लगता है जानकारी रेलवे ने मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू देना शुरू कर दिया है पैसेंजर को कि सिर्फ ट्रेन मंडपम तक ही जाएगी। उसका रीज़न है ये जो रेलवे का ब्रिज था 1914 में बना था, करीब 108 साल हो गए थे, 108 साल हो गए थे और सेवा दे रहा था और गाड़ी की स्पीड कम स्पीड में चलाया जा रहा था, मतलब काम हो रहा था। तो अब बात ये हुआ कि मद्रास IIT मद्रास के इंजीनियरों ने उस पर सेंसर लगाया हुआ था। सेंसर कैसा लगाया हुआ था, कंपन या कुछ भी डेंजरस उसको महसूस हो तो उसका इंडिकेशन रेलवे में मशीन जो ऑफिस लगाई हुई थी, जहाँ जिस ऑफिस में लगा हुआ था उसमें इंडिकेशन चला जाता था, अलार्म चला जाता था। तो हुआ ये था दिसंबर के महीने में ऐसा दो अलार्म इस ब्रिज के जो सेंसर लगाए हुए थे उसमें दिया गया कि इस ब्रिज पे कंपन हो रही है, हवा के द्वारा हो रही है या ट्रेन जा रही है उसके दौरान हो रही है। तो मतलब साफ था कि अब उस पर ट्रेन नहीं चलाने का आदेश, मतलब कुछ भी हो सकता है। आपको पता है रेलवे पैसेंजर के लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकती है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया, पहले तो रिपेयरिंग का काम शुरू किया, जो चलो ठीक है 1 महीने 1.5 महीने के बाद इसको शुरू किया जाएगा, लेकिन उससे भी नहीं जब हो पाया तो परमानेंटली बंद कर दिया गया इस ब्रिज को। अब वेट किया जा रहा है कि उसके पैरेलल में जो ब्रिज बन रहा है उसका जो काम चल रहा है उस पर काम में तेज़ी लाया जाए और उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। वो तो कंप्लीट होना था पिछले साल ही, लेकिन कोरोना की वजह से और कुछ कारण की वजह से वो डिले हो गया और अभी टारगेट दिया गया है जून या जुलाई के महीने तक इस ब्रिज को कंप्लीट करने का। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ आधा काम ब्रिज का हो गया है। आप कह सकते हो आधा कंप्लीट हो चुका है, आधे से ज़्यादा। रेलवे ने तो ट्वीट करके ये बताया 84% काम पूरा हो चुका है, लेकिन मेरी जहाँ तक जानकारी है अभी और भी काम करना बाकी है। अब जो पुराना जहाँ से खुलता था जिससे शिप पास करती थी वहाँ से पम्बम तक अभी ट्रैक वगैरह बिछाने का काम जारी है, उस पर जोर शोर से काम चल रहा है। तो अभी वही अपडेट आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि कितना काम हुआ है और कितना बचा हुआ है। आप इमेज के जरिए अंदाज़ा लगा सकते हो, मैं पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा कि कितना काम हो गया है और कितना बचा हुआ है। देख सकते हो आप यहाँ पे बच्चे लोग इंजॉय कर रहे हैं और बड़े बड़े क्रेन लगे हुए हैं जिसमें रेलवे का काम होना है, मतलब रेलवे का काम हो रहा है। मैं आपको वहाँ दिखाऊँ उस साइड भी, अगर आपको देखोगे तो क्रेन लगा हुआ है और यहाँ पे एक आप कह सकते हो ऑफिस टाइप का, टेम्प्ररी ऑफिस टाइप का भी बना दिया गया है जो काम चल रहा है, मिट्टी बिछाने का काम, ट्रैक बिछाने का काम। ये मिट्टी बिछा के यहाँ से ट्रैक जब जोड़ दिया जाएगा तो आगे जाके ये जो ट्रैक देख रहे हैं ये आगे जाके जुड़ जाएगा और फिर चलना शुरू हो जाएगा। ये आप देख सकते हो इधर है। अब एक बार यहाँ से देख लो, हम आए कहाँ से थे, वो वाला स्टार्टिंग से अभी पहुँच गए हैं इस जगह पर और यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ ऐसा कुछ दिख रहा है। यही सबसे अच्छा एंगल है, ये ड्रोन एंगल आप समझ लो, ड्रोन से आपको दिख रहा है ब्रिज का कितना काम हो गया है। और अगर यहाँ जूम करके मैं दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे ट्रैक पटरियाँ बिछ गई है, यहाँ तक बिछ गई है सिंगल लाइन में, जो कि अच्छी खबर है। और मैं बताऊँ आपको, वहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से लेके यहाँ तक पटरियाँ बिछ गई है, अब इतना ही बचा हुआ है जो कि कंप्लीट हो जाएगा, उम्मीद करते हैं जून से जुलाई तक, मैं मान के चल रहा हूँ अगस्त तक तो कंप्लीट हो जाएगा। इसकी खासियत कुछ चीज़ें बता दूँ, जो ये बाजू में जो ब्रिज बन रहा है ये काफ़ी
आप कह सकते हो हाई प्रोफाइल कह सकते हो, मतलब इससे अपग्रेडेड वाला वर्जन है। यहाँ पे दो लेन है, अप एंड डाउन दोनों लाइन है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। इसकी जो लंबाई है 2.07 किलोमीटर है, बनने का कॉस्ट 200 करोड़ है। और यहाँ पे वर्टिकल लिफ्ट जो रहेगा, जो पहले खुलता था वो अभी वर्टिकल सीधे लिफ्ट हो जाएगा, इससे सुविधाएं होगी, जल्दी से ओपन हो जाएगा, 17 मीटर तक ऊपर जाएगा। और इसका लेंथ जो है 70 मीटर है, उस जो लिफ्ट होगा उठ जाएगा ऊपर की ओर, ट्रैक लगी रहेगी उसमें, कोई बढ़िया सा जहाज पास करना होगा तो उसको उठा लिया जाएगा। और मैं इस पर चल के आया, इस ब्रिज पर जो है मैं एकदम पैदल चल के आया, मुझे अच्छा लगा। ये रामेश्वरम आऊँ और इस ब्रिज पर ना आऊँ तो लगता है अधूरा सा रह गया है। अगर मैं ब्रिज के दूसरे साइड की बात करूं तो ये रोड है, रोड वाला ब्रिज है जिसको 1988 में बनाया गया था, राजीव गांधी ने इसका उद्घाटन किया। दूसरा साइड कुछ इस तरह दिखता है, इतने सारे मछुआरे के बोट लगे हुए हैं, शिप लगे हुए हैं, जिनका जीवन यापन इसी से होता है। और अच्छा सा नज़ारा दिखता है यहाँ से, शानदार व्यू आप कह सकते हो, ज़बरदस्त व्यू यहाँ से देखने को मिलता है। ये इस साइड रोड है, इधर ये रोड यहाँ से इस तरफ को जाती है, यहाँ लोग रुकते हैं, फोटोग्राफी करना सेल्फी लेना नहीं भूलते हैं। दोस्तों मैं अभी दूसरे साइड आ गया हूँ, इस तरफ आ गया हूँ, सोचा आया हूँ तो आपको अच्छे से ही दिखा दूँ। इस तरफ मैं देख रहा हूँ पूरा मिट्टी वगैरह एकदम बिछा के, रेल ट्रैक बिछाने का काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है इधर पर, और मिट्टी वगैरह भर दिया गया है। उधर क्रेन देखो लगा हुआ है, इधर मिट्टी को समतल किया जा रहा है। और पीछे साइड भी, मैं उधर से जिधर आया उधर भी पटरी वगैरह बिछाने की तैयारियां शुरू हो गई। अगले हमको लगता है 20 से 25 दिनों में पटरी बिछाने का काम शुरू कर दिया जाएगा, तो ज़ोर शोर से काम चल रहा है। आशा करते हैं जल्द ही ये ब्रिज बन के तैयार हो जाए। और मैं आपको थोड़ा सा, इतना हवा चल रहा है यहाँ पे, मुझे ड्रोन उड़ाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, लग रहा है इतना हवा है, प्लस ईगल इतनी उड़ रही है, कौन रिस्क लेगा आप खुद बताओ ना। लेकिन जो अपडेट देना था वो मैं दे दिया है, मैं कोशिश करता हूँ, अगर ड्रोन उड़ा पाया तो उसका भी फुटेज आपको देखने को मिलेगा। अभी देखो एक छोटा सा बोट इस जो है इसमें से जा रहा है, आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी जहाजें इस ब्रिज के नीचे से जाएगी और आप और हम इसका वीडियो देखेंगे। क्या शानदार लग रहा है ये ब्रिज, क्या ज़बरदस्त लग रहा है ये। बस हम और आप प्रे कर रहे हैं कि जल्दी से कम्प्लीट हो जाए और हम फिर से एक बार इसमें सफ़र करें ट्रेन के द्वारा नए वाले ब्रिज पर। तो ऐसा कुछ ब्रिज का अपडेट है, यही अपडेट है ब्रिज का कि ऑलमोस्ट, और यहाँ तक काम जो यहाँ आप देख रहे हैं ना, यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया है। मतलब ट्रैक में देख रहा हूँ बिछ गया है, उसमें उसका जो पंडुल होता है, जो पेंच होती है, उसको ठोकने का काम चल रहा है। अब यहाँ से जो है वो लैंड तक पिलर का काम हो के है, ये लिफ्टिंग का काम होना है और फिर ब्रिज बन के तैयार हो जाएगा। फरवरी मंथ एंड हो गई है, ये एंड ऑफ फरवरी है, सिर्फ 4 महीने, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने रेलवे के पास हैं। और 4 महीने में क्या कुछ हो सकता है वो, अब जितना अपडेट मेरे पास रहेगा वो मैं देने की कोशिश करूंगा। तो यही ब्रिज का अपडेट है, ऑलमोस्ट इसका काम कंप्लीट 84% रेलवे ने बोली है, मैं बोल रहा हूँ 75% to 80% कंप्लीट हो गया है। और बाकी का काम भी मैं प्रे कर रहा हूँ जल्दी से कंप्लीट हो जाए। और ये जो ब्रिज है ये एक, बोल रहे हो आप, मैं कह सकता हूँ एक, क्या उसको बोलते हैं, विंटेज ब्रिज हो जाएगा, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया ब्रिज। इस पर पहले मीटर गेज की गाड़ियां चलती थी, जिसका जो चौड़ाई होता है 1 मीटर का था, अभी जो है 1676 mm वाइड गेज इसको किया गया और ये रेलवे का सेवा देता चला गया। इसमें करीब पिलर जो है, पिलर की संख्या एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, 210 के करीब में है या 190 है, वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, मैं अगर चाहिए तो लिख दूंगा। लेकिन ये अपने आप में एक शानदार शानदार ब्रिज इतिहास में दर्ज हो गया है। अब नया वाला जल्दी से ओपन हो और हम उसमें सफ़र करें और आपको वीडियो बना के इस ब्रिज का, इस पाम्बम ब्रिज का, समुद्र के ऊपर पहला रेल ब्रिज इतना लंबा, उसका वीडियो बना के दिखाऊं। तो आज के, अभी के इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ मैं स्टोरी डालते रहता हूँ, सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।